बाड़मेर में खुले पड़े बड़े नाले और बिना पैरों कवर नाले हर दम किसी हादसे की ओर इशारा करते नजर आ रहे हैं। मानसून के आगमन के बाद भी नगर परिषद द्वारा इन खुले नालों पर कवर नहीं लगाए गए हैं, जिससे बरसात होने पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है। शहर के कई मुख्य मार्गों पर खुले नालों के साथ टूटे हुए सीवरेज के ढक्कन के कारण भी आए दिन हादसे हो रहे हैं। मानसून सिर पर है और प्री मानसून कभी भी बाड़मेर में दस्तक दे सकता है, लेकिन मानो शहर की सरकार है कि अपनी नींद से जागने को तैयार ही नहीं। बाड़मेर शहर में खुले मेन होल, सीवरेज और नालों के हालात मानसून के दौर में कभी भी बड़े हादसे की वजह बन सकते हैं। बाड़मेर शहर की कई सड़कें टूटी हुई हैं, पार्कों की हालत खस्ता के साथ स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं। वहीं शहर में जगह जगह मेन होल खुले पड़े हैं तो विकास कार्यों की जरूरत के साथ हादसों को न्योता दे रहे हैं। नगर परिषद की ओर से इन मेन हॉल को बंद करने की जगह अस्थायी तौर पर कहीं सीमेंट की स्लैब, कहीं पुराना ट्रांसफार्मर और कहीं पत्थर की पट्टियां रखकर काम चलाया जा रहा है, जो शहर के विकास कार्यों की पोल खोल रहा है। बाड़मेर शहर में जिला कलेक्टर आवास से निकल रहे मुख्य मार्ग पर राय कॉलोनी रोड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, विश्राम गृह के ठीक आगे, गांधी चौक के पास, रेलवे स्टेशन के सामने, तिलक बस स्टैंड के पास, महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास, कन्या महाविद्यालय के आगे वाली सड़क पर लंबे समय से मेन होल का ढक्कन टूटा हुआ है। कुछ जगहों पर हादसों के खतरे को देखते हुए सीमेंट की स्लैब रखी हुई है। इसी तरह जिला कलेक्टर आवास के ठीक पास सीवरेज के मेन होल का ढक्कन लंबे समय से टूटा हुआ है, जहां हादसों को रोकने के लिए स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर ही पत्थर लगा रखे हैं, जो सीवरेज के खुले मेन होल से भी ज्यादा खतरनाक है। इसी तरह पीजी कॉलेज रोड पर भी कई मेन हॉल खुले पड़े हैं। लोगों का कहना है कि शहर की सरकार को इन हादसों के ठिकानों से कोई सरोकार नजर नहीं आता। बारिश का मौसम है, नगर परिषद को इसके ध्यान देना चाहिए। अगर बारिश का मौसम है यहाँ पे एकदम पानी आ जाता है, यहाँ दिखता कुछ नहीं है। पशु है, बुजुर्ग व्यक्ति है, बच्चे हैं, जो नाले के अंदर डूब सकते हैं। नगर पालिका इसके ओर ध्यान देना चाहिए, खुले हॉल है इसके ऊपर ढक्कन दिलानी चाहिए। कब से ये खुले पड़े नाले? पिछले 8-9 महीने से। शहर में खुले पड़े इन मेन हॉल से कई मरतबा हादसे हुए हैं, लेकिन इससे नगर परिषद प्रशासन को कोई सरोकार नहीं है। अब जब मानसून कभी भी आ सकता है और सड़कों पर पानी का सैलाब होगा, ऐसे में उस वक्त ये खुले मेन हॉल कितने घातक हो सकते हैं, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन जब जिम्मेदार ही आंखें मूंदे बैठे हों तो शिकवा शिकायत करें तो किससे करें।